हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ सरगम फिफ्थ सरगम सिक्स सरगम सारी गामा पा री गामा पा धा गामा पा धनी मा पा धनी सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा री पा मा गा री सा सारी गामा पा री गामा पा धा गामा पा धनी मा पा धनी सा ठीक है। और इसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम गाना भी इसमें गा सकते हैं। कैसे बताया था मैंने? सा सा रे सा मा गा सा सा रे सा पा मा सा 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 नी धा पा मा गा नी नी धा मा पा मा सा सा रे सा मा गा सा सा रे सा पा मा सा 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 नी धा पा मा गा नी नी धा मा पा मा। तो ऐसे हम इसमें ये हमने सरगम गा ली और इसके बाद हम गाते हैं ऐसे हम ये सरगम को हम घर पर भी गा सकते हैं। और इसको कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैंने आपको बताया अभी और सरगम भी मैंने आपको सिखाया। तो क्या आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप मम्मी पापा का कहना मान रहे हैं? क्या आप घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं? क्या आप दरवाजे पर बार बार अंदर बाहर हो तो नहीं जा रहे हैं? तो इन बातों से आपको बचना है। अभी घर में बैठना है, अपने म्यूज़िक की प्रैक्टिस करनी है, साथ में पढ़ना भी है। जो जो भी आपने पढ़ना है, जो जो भी मम्मी बोले या पापा बोले आपको पढ़ना है, और कार्टून कम देखना है, और पौधों में पानी भी देना है, मम्मी पापा का कहना भी मानना है, और हाथ बार बार आधे घंटे बाद जरूर धोना है, और मुंह पर हाथ नहीं लगाना है। तो जैसे कि मैंने अभी बुलाया कि अगर आपका हैप्पी बर्थडे है तो कैसे आप अपने फ्रेंड्स को ये सुना सकते हो? कैसे? ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक में सर्ग में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कैसे था? सा सा रे सा मा गा सा सा रे सा पा मा सा 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 नी धा पा मा गा नी नी धा मा पा मा सा सा रे सा मा गा सा सा रे सा पा मा सा 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 नी धा पा मा गा नी नी धा मा। अब इसको गाना कैसे करना है? हैप्पी बर्थडे टू यू
May God bless you. Happy birthday to dear. May God bless you. So you can sing about this song. You can easily sing. And you know about that whom's that birthday. So you can give that honor. तो अगर हमें किसी को ऑनर शब्द अगर सम्मान देना है तो सबसे अच्छा तरीका है हैप्पी बर्थडे से भी कर सकते हैं, जैसे पापा का या मम्मी का या ब्रदर का या सिस्टर का, किसी का भी हो, ठीक है। तो अभी फादर्स डे भी आया था तो फादर्स को भी कर सकते हैं, मदर का आया तो मदर को भी कर सकते हैं। तो मदर फादर को कैसे करेंगे? हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मी गॉड ब्लेस यू, मी गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इस तरह से आपको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 6 सरगम हो गई, फिर 7 सरगम भी आपको पता होनी चाहिए कि 7 सरगम कैसे होती है। तो 7 सरगम में हमने अब धा तक जाना है, यानी कि यहाँ तक जाना है, और कैसे सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा, ठीक है। दोबारा देखते हैं एक बारी, सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा नी सा। अब इसको रिदम में भी गा सकते हैं, थोड़ा टेम्पो हम स्लो कर लेते हैं कि टेम्पो स्लो हो रहा है यहाँ पर, देखिए। हाँ, सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा, हम रिदम बंद कर देते हैं। मुश्किल लग रहा है? कोई नहीं, मुश्किल नहीं है बेटा, आपने आराम से करना है फ्रेंड्स। और मैंने जैसा कहा कि कीबोर्ड के ऊपर हाथ लगाने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं साबुन से, ध्यान रखना है हर बार। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें परहेज रखना है, अपने हाथ मुँह और अपने को संभाल के रखना है। और घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, और घर से बाहर बहुत ज़रूर जाना हो, ठीक है, तो मम्मी पापा ही जाएंगे, आप कोई नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि 7 सरगम कैसे थी। हाँ, से बजा के देखते हैं, सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, नी धा पा मा गा रे, धा पा मा गा नी सा, ठीक है। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे 7 एक्सरसाइज। और जैसा मैंने आपको हैप्पी बर्थडे बताया, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू योर फादर, योर मदर, टू योर पेरेंट्स ऑल्सो यू। और अपने को संभाल के रखना है, बार बार हाथ धोना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, और अपने को अपने मम्मी पापा को तंग नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ,
और अपने जो भी कमेंट्स है जो मैंने GRS म्यूजिक पे आपको GRS म्यूजिक 1 इसको सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। ठीक है, जय हिंद जय हिंद।